आजमगढ़ जिले में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने बीती रात रौद्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान रात करीब 9 बजे से लगातार भारी बारिश जनपद में होती रही। मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला। शहर के RTO ऑफिस, रोडवेज, बवाली मोड़, DAV कॉलेज, काली चौराहा, दलसिंगार मोहल्ला, कोलबाज बहादुर, बागेश्वर नगर, अराजी बाग, ब्रह्मस्थान सहित कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके घर गृहस्थी का सामान भीग गया तो वहीं कई क्षेत्रों में दोपहिया वाहन और कार तक डूब गए। भारी बारिश ने जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार कब तक पानी की निकासी का समुचित प्रबंध करके आमजन को राहत दिला पाते हैं। वहीं भारी बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति भी ठप है। गुरुवार रात से ही शहर के अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप है। बारिश का पानी मातनपुर सब स्टेशन और हाफिजपुर विद्युत सब स्टेशन में भी भर चुका है। इस कारण से विद्युत आपूर्ति बहाल करने में समय लग सकता है। मोहम्मद बिलाल आजमी, पूर्व छात्र महामंत्री, सिबली नेशनल कॉलेज, प्रदेश सचिव। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग सारे शहर वासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी अगर देखा जाए लापरवाही तो ये नगर पालिका की है। इसका पहले से इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही हाई अलर्ट हो चुका था कि बारिश होने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हर तरफ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है शहर के अंदर। क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर हैं, आप शहर के अंदर चले जाइए, आप कोट मोहल्ला, बाज बहादुर मोहल्ला, नालाधर मोह, पूरी स्थिति बहुत गड़बड़ है इस वक्त शहर की, और ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। सर, बारिश की परेशानी तो ये आलम है कि जब मैं मॉर्निंग में आया हूँ यहाँ ड्यूटी करने के लिए, मैं एम्प्लॉय हूँ सिबली कॉलेज का, तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे तमाम गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज सारे लोग यहाँ थे, कुछ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स थे। जब मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में, देखा हूँ कॉलेज की ये स्थिति थी कि अगर हम लोग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कमर से प्लस पानी है, और हमारे साइकिल स्टैंड में और जो यहाँ गेट पे वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं वो लोग बुरी तरीके से जो है भीग चुके थे और तबीयत भी ख़राब हो गई उनकी। करीब करीब 85% जो सारी क्लासेस जो है जो फर्स्ट फ्लोर की है वो डूब चुकी है पानी से, और हो सकता है जनरेटर की व्यवस्था से जो है निकाला जाए। प्रिंसिपल सर को मैं जो है अभी सूचना कर देता हूँ, प्रिंसिपल सर आएंगे उसका जो है निर्णय लेंगे।